गौर से सुनो, हमें हरदयाल और सोनन नाम की लड़की की तलाश है। हमें आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें वो दोनों चाहिए। जब तक वो हमें नहीं मिलते, आप सब इसी हॉल में हमारी हिरासत में रहेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे, अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। हाय 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 हाय, तुम्हारी सुनो। हाय हाय, 10 का नोट नहीं है तो कार में क्यों बैठा है? चल निकल बाहर, दोनों मिलके मांगेंगे। हाँ, तभी मुझे लग रहा था मैंने उसे कहीं देखा है। वो हरदयाल ही था। भाग गई, चलो। उस वोट का नहीं तो सारी गड़बड़ की, और सच बोलूं तो उसकी ही वजह से हम बचे हैं। लेकिन हमें सोनल को जान से नहीं मारना, और अब तो सोनल मित्रा के साथ हरदयाल भी यहाँ आ चुका है। एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं ये प्लॉट नंबर 21 कहाँ? वाटुम्बा। थैंक्स। हाँ, मैं कह रहा था ना तुमको। फास्ट। हाय हाय, मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को। तू आतंकवादी की गोली से मरेगा। हाय हाय, मेरी बद्दुआ लगे तेरे को माटी मिले। हाय हाय। मैं सब समझता हूँ, तुम लोगों को इसलिए तो बंद किया है। तुम तीनों आतंकवादी हो। माथुर साहब मेरे सीनियर हैं, कुछ मत बोलो इनके खिलाफ। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। मेरे साथी कुत्तों से भी ज्यादा वफादार है मेरे। अच्छा, कहाँ है वो सोनल की बच्ची? हाँ सर, वो मेरे सामने ही है। तो फिर हमें फौरन रोमेशिया जाना हो। ठीक है, हम पहले ही फ्लाइट से रोमेशिया जा रहे हैं। चलो फास्ट, इस बॉक्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखना है। क्या करूं, जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। लेकिन कैसे भागे? दीवार तक सही सलामत है। सोनल को पता होना चाहिए कि हरदयाल हमारे कब्जे में है। मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि तुम हमें सोनल के पास ले जाओगे और वो हमें केमिकल दे देगी। उन्हें पकड़ना है हमें। चलो, यहाँ तो कोई नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधा जंगल पार कर आए हम, और कर्नल और उसके साथियों का कोई नामो निशान नहीं मिला हमें। वह जनरल मेरे फोन का इंतजार कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कर्नल वाटुम्बा में आया ही नहीं? अब बात साफ हो गई है, कर्नल और उसके साथ ही वाटुम्बा में ही है। सवाल हरदयाल को पकड़ने का नहीं है, सवाल है हमने जो वक्त बर्बाद किया है, क्या उसकी वजह से हरदयाल को मदद मिलेगी? फिर भी तुम्हारी वजह से मैं कर्नल ध्यानचंद में इंटरेस्टेड हूँ। कहा था कि कर्नल ध्यानचंद बॉम्ब से भी ज्यादा खतरा। रविंद्र जोग ने उसे यहाँ बुलाया, एक्सप्लोसिव पाउडर के बारे में सब बता दिया। ये जानकर भी तुम्हारी खामोशी ठीक नहीं। वाह संपत, वाह, सचमुच सुमधुर कंपनी के बने कैसेट सुरीले संगीत से भरे होते हैं। क्या हुआ, कितनी बार कहा तुम्हें
ऐसे झटके से ब्रेक मत लगाया करो। मेजर साहब वो देखिए फैक्ट्री का गेट खुला हुआ है। देखो इन्हें, साले दिन में सपने देख रहे हैं। एक गेटकीपर, एक गेटकीपर उठ, एक गेटकीपर। संपत, गेट बंद करो। ये रजिस्टर देखिए, आखिरी एंट्री जग्गू की है जो यहां से एमिनेशन लेकर गया है। रोको उस टेम्पो को, रोको रोको गाड़ी रोको, पीछे रहो पीछे रहो, पीछे पीछे और पीछे। सर मैं आपका रहमान बोल रहा हूँ, माधोपुरा एमिनेशन सर, कुछ ठीक नहीं है सर, मुझे बता दे और बड़ी शर्म आ रही है कि यहाँ से एमिनेशन चोरी हो गए। आहिस्ता बोलो कंगारू, पहले से ही मेरा दिमाग गर्म है, लगता है दिमाग की नसें फट जाएगी। नहीं कंगारू, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है, ये नहीं हो सकता। हॉस्टेजेस को ही निशाना बनाना। आप आज शाम को विलिंगटन क्लब में मिल सकते हैं। यस कर्नल साहब, मैं इंस्पेक्टर पांडे हॉस्पिटल आरोग्य संपदा से बोल रहा हूँ सर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ओके सर, राइट सर, हम शाम 6 बजे मिलेंगे। सर इट इज वेरी सीरियस। और तुम्हारी मौत का? नहीं माथुर, मुझे नहीं पता था तुम इनसे मिले हो, वही कार्लोस जो हमारे देश में आतंक मचाता आ रहा। गद्दारी कर रहे अपने देश से। मैंने गलती की जो आप पे भरोसा किया। ये सब के सब एक ही परिवार के हैं सर, और सब जहर खाने से मरे। ओके ओके, वो नक्शे का टुकड़ा नहीं मिला सर, उधर देखो। यस सर, एज पर योर ऑर्डर जहर के सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिए। इन केस वो कागज कट कर लो। ठीक है सर, मैंने आज ही 3 से रखी है, आप उनकी इंटरव्यू ले लीजिए।